नमस्कार प्रणाम। आप सभी सहारा निवेशकों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। सो सभी सहारा निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हम जो देने जा रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, बस समझना होगा। अगर आपका पैसा इस सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ है तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वीडियो थोड़ा अलग हटके रहने वाली है। आइए जानते हैं क्या महत्वपूर्ण संदेश है जिन सहारा जमाकर्ताओं एवं निवेशकर्ताओं का पैसा इस सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ है, उसके लिए आप सभी को कुछ न कुछ बदलाव करना होगा, तभी हम लोगों का पैसा मिल पाएगा, अन्यथा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी देखना है। वीडियो चाहे किसी की भी देखा करो तो वीडियो पूरी देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया अगर हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इस प्रकार की आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो का व्यूज जो है लगभग 4-5 हज़ार जाता है, लेकिन आप लोग लाइक करने में थोड़ा कंजूसी कर देते हैं, तो लाइक को भी कर दिया करो। तो आपका बिना समय गवाए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम आप सभी को यह बता दें, जो सहारा रिफंड पोर्टल हम लोगों के लिए बनाया गया था माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो हम लोगों के द्वारा इन्होंने पोर्टल को लॉन्च किया था 18 जुलाई 2023 को। उस पर यह बताया था कि आप सभी का पैसा आवेदन करने के पश्चात 45 दिन के अंदर मिल जाएगा या उसके पश्चात मिल जाएगा। तो उस पोर्टल पर अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं आया हुआ है आवेदन करने के पश्चात भी। अब हम लोगों को कुछ बदलाव करने होंगे अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या बदलाव करने पड़ेंगे और कुछ उनसे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, उन क्वेश्चनों का हम लोगों को ये पूरा का पूरा जो है उत्तर दें, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं इस प्रक्रिया को हम लोग देखते हुए। तो आइए जानते हैं क्या बदलाव होने चाहिए तभी हम लोगों का पैसा मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बदलाव बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। नंबर एक, जो बताया गया था 18 जुलाई 2023 पर जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था उसके अनुसार इन्होंने ये बताया था कि इस पोर्टल पर 1,07,00,000 जमाकर्ता पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं। तो 18 जुलाई 2023 पर इन्होंने ये बताया था अपने भाषण में कि 1,07,00,000 जमाकर्ता ही पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं, जबकि उन्हीं के अनुसार लगभग 12 करोड़ लोगों ने इस पर आवेदन किए हैं। सारा रिफंड पोर्टल पर 12 करोड़ लोगों ने क्लेम किया है और जो बाकी लोग वंचित हैं, ऐसा क्यों रखा गया? इन्होंने बताया था कि 1,07,00,000 लोगों का भाई सॉरी 1,07,00,000 लोग ही आवेदन कर सकेंगे और बाकी क्यों नहीं कर सकेंगे, इसके लिए इन लोगों को पोर्टल के अनुसार सही से पोर्टल बनाना था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, मृतक के नामनी को क्लेम करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। अब जैसा कि किसी के घर में किसी भी सहारा इंडिया परिवार में उसका खाता ऐड था, उसका किसी भी कारण से मृत्यु हो गई, तो उसका नॉमिनी जो है, तो नॉमिनी को क्लेम करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यह भी एकदम बात करेक्ट होनी चाहिए और इसके लिए ऑप्शन होना चाहिए कि नॉमिनी का भी क्लेम हो सके, इसके लिए इन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, मोबाइल से इन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार लिंक होना चाहिए और आधार से खाता, ये अब गरीब सहारा निवेशकों के लिए कितना बड़ा कार्य है। अपना कार्य छोड़ के 1,000-2,000 रुपए खर्च करके इनको लाइन में लगना पड़ता है, पहले मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाएं, फिर मोबाइल नंबर अपने खाते से लिंक करवाएं, वहाँ आधार लिंक करवाएं, इसमें कितना इन लोगों को झंझट करना पड़ता है। तो अगर बात उचित लगे तो समर्थन जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारे गरीब सहारा निवेशकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, मोबाइल से आधार, आधार से मोबाइल नंबर, क्योंकि इसके लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए था। और नंबर 4 हम लोगों का ये सवाल है कि ब्याज कितना मिलेगा।
ब्याज के बारे में इन्होंने कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई है, और ब्याज अगर नहीं मिलेगा तो हम लोगों का पैसा इतने दिन से अटका भी हुआ है, ब्याज नहीं मिलेगा तो हम लोगों का काफ़ी नुकसान होगा। तो ये ब्याज की बात है, इस पर भी ज़रूर हम लोगों को दबाव डालना है, बदलाव करना है, इन लोगों से पूछना है कि ब्याज कितना मिलेगा, आखिर कितना मिलेगा। इन्होंने ब्याज के बारे में कोई भी बात नहीं की। अब उसके बाद में हम बात करते हैं पाँचवें नंबर पर, जो कि लास्ट नंबर रहने वाला है। अगर ये लोग 10,000 रुपये हम लोगों को पहले चरण में दे देंगे और बाकी पैसा कब देंगे, ये हम लोगों का सबसे मेन सवाल है। अगर ये लोग हम लोगों को प्रथम चरण में 10,000 रुपये का लॉलीपॉप दे देंगे, क्योंकि इस समय चुनाव है तो मानते हैं कि 10,000 रुपये प्रथम चरण में ये लोग दे देंगे, बाकी जो पैसा है वो कब मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये अपना कुछ न कुछ हम लोगों को सुझाव दें कि बाकी पैसा कब मिलेगा और कितने दिन के बाद मिलेगा और इस समय क्यों नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इस समय अगर हम लोगों का पैसा बाकी बचा हुआ नहीं मिला तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चुनाव के बाद में कोई भी नेता हो या कोई भी कर्मचारी हो वो नहीं सुनता है, अपना काम निकलने के बाद में कोई किसी की नहीं सुनता है। सबसे बड़ा हमारा यही बदलाव होना चाहिए कि 10,000 रुपये जो बताए गए हैं देने को, लेकिन हम लोग 10,000 रुपये नहीं लेंगे, हम लोगों को पूरा पैसा मिलना चाहिए, ये हमारा है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए और अपने लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।